की बात करते हैं, ए नर्स एडमिनिस्टर्ड द ऑक्सीजन एट द 4 लीटर पर मिनट वाय द नेजल कैनुला। देखिएगा हम क्या करें, नेजल कैनुला के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे, कितने 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे, और ऑक्सीजन किसके द्वारा दे रहे, नेजल कैनुला के द्वारा दे रहे। नोट करिएगा, नेजल कैनुला के द्वारा टू ए क्लाइंट विद द एम्फाइसीमा। पेशेंट किसका है, एम्फाइसीमा यानी पेशेंट को है सीओपीडी। पेशेंट को क्या है, सीओपीडी की कंडीशन है, एम्फाइसीमा की कंडीशन है, ठीक है। तो विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स क्लोजली ऑब्जर्व द क्लाइंट, तो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है नर्स उस पेशेंट के अंदर देखेगी या ध्यान रखेगी कि ये सिम्टम तो उस पेशेंट में नहीं आ गया है। पहला है एंजाइटी, साइनोसिस, ड्राउजीनेस, इंक्रीज द रेस्पिरेशन। एंजाइटी, साइनोसिस, ड्राउजीनेस और इंक्रीज द रेस्पिरेशन, विच वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, काफी स्पेसिफिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर है। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को, देखिए क्लियर स्टेटमेंट याद रखिएगा जो आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को सीओपीडी की कंडीशन है, सीओपीडी में दो चीजें आती है, फर्स्ट वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दो कंडीशन पर पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी कौन सी पढ़ते हैं सर, सेकेंड वन इज द एम्फाइसीमा। सेकेंड वन डिजीज कौन सी होती है, एम्फाइसीमा। दो डिजीज कंडीशन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होगा सर, यहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है एल्वोलाई का, क्या हो चुका है डिस्ट्रक्शन। कंसेप्ट को समझिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वोलाई, एल्वोलाई डैमेज हो चुकी है। और एल्वोलाई क्या है सर, हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है, जो हमारे लंग्स के अंदर क्या करे, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर रही है, यानी गैसेस एक्सचेंज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एल्वोलाई का। अब यही क्या हो चुके, डेस्ट्रॉय हो चुके। चलिए कोई बात नहीं, डेस्ट्रॉय हो चुके तो हम इस पेशेंट को, जैसे डेस्ट्रॉय होगी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, इस पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते स्टार लगा लीजिएगा। अब तक एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से कि सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन देते कितनी, 1 to 2 liter पर मिनट ऑक्सीजन आपको एडमिनिस्टर करनी है बाय द वेंचुरी मास। किसके द्वारा, बाय द वेंचुरी मास। वेंचुरी मास के द्वारा क्यों, इट इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मास्क। क्या कह सकते हैं सर, इट इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मास्क कह सकते हैं। जितनी ऑक्सीजन आपको देनी है आप उतनी ही दे पाएंगे इससे, नो एक्स्ट्रा एंड नो, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जितनी आपको ऑक्सीजन देनी है उतनी आप इसके द्वारा ऑक्सीजन दे सकते हैं, और देनी कितनी है, 1 to 2 liter per minute ऑक्सीजन किसके द्वारा, वेंचुरी मास्क के द्वारा। अब आप दे किसके द्वारा रहे सर, 4 liter यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहे पेशेंट को, और दे किसके द्वारा है, नेजल कैनुला के द्वारा है। क्वेश्चन यहां से पूछा गया भाई, ठीक है, किसके द्वारा ऑक्सीजन देते हैं, वेंचुरी मास्क। अब आप मान लीजिएगा ज्यादा ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे, ज्यादा ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे तो यहां पर एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज द हेल्डन इफेक्ट। क्या मिलता है, हेल्डन इफेक्ट। इफ द मोर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, इफ द मोर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, अगर ज्यादा ऑक्सीजन देंगे आप, देन हेल्डन इफेक्ट विल बी शो। क्या मिलता है आपको, हेल्डन इफेक्ट मिलता है, याद रहेगा सभी को, कौन सा इफेक्ट मिलता है, हेल्डन इफेक्ट। और इस हेल्डन इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से जो CO2 बाहर निकलनी चाहिए वो बॉडी से CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि देखिएगा कंटिन्यूसली ऑक्सीजन होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, और बॉडी से जो CO2 बाहर निकलनी चाहिए वो CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी। उस हेल्डन इफेक्ट के कारण क्या होता है, मोर CO2 इन द बॉडी, मोर CO2 इन बॉडी, बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दैट मे कॉज, CO2 मे कॉज द लिथार्जी, CO2 मे कॉज लिथार्जी एंड ड्राउजीनेस। क्या कॉज करती है, लिथार्जी एंड ड्राउजीनेस कॉज करती है, क्या कॉज करती है, लिथार्जी एंड ड्राउजीनेस। तो हम सबसे पहले पेशेंट को किसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट में ड्राउजीनेस तो नहीं है, क्योंकि CO2 पेशेंट की बाहर नहीं निकल रही है, पेशेंट की CO2 बाहर नहीं निकल रही है। नहीं निकलने का रीजन क्या हो गया, आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो किस बिहा पर काम करते हैं, किस बिहा पर काम करते हैं कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है या बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा है, ठीक है।
जब बॉडी के अंदर CO2 का लेवल क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये CO2 क्या करेगी, धीरे धीरे पेशेंट को क्या करेगी, लिथार्जिक कर देगी। यानी पेशेंट को हो सकता है थोड़ी नींद आना शुरू हो जाए, पेशेंट बेहोश होने वाला हो, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को लिमिट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अबाउट 1 to 2 liter पर मिनट। और पेशेंट में अपन एनालिसिस करेंगे किसको, ड्राउजीनेस को एनालिसिस करेंगे। इसी को बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यादा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, ज्यादा ऑक्सीजन के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हेल्डन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ बात, समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा, हेल्डन इफेक्ट होता क्या है। देखिए इसको तुम्हें थोड़ा सा एलोबरेट करके बता देता हूं, इसको दोबारा समझ लीजिएगा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिएगा आपको ऑक्सीजन चाहिए थी कितनी, 1 to 2 liter। थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस चीज को, बॉडी को रिक्वायरमेंट थी 1 to 2 liter ऑक्सीजन की। पहले ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, देन उसके बाद बॉडी क्या करेगी, CO2 को बाहर निकाल देगी। क्या करेगी बॉडी, CO2 को एक्सक्रीट आउट कर देगी। क्लियर हुआ। अब अपन क्या करें, ये तो नॉर्मल कंडीशन में होगा, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस होगी। अब ये दे ही क्यों रहे हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा CO2 है उसको अपन बाहर निकाल सके। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोली। एल्वियोली का डिस्ट्रक्शन हो गया तो हमारे गैसेस एक्सचेंज की जो कैपेबिलिटी है, लंग्स की या एल्वियोली की जो गैसेस एक्सचेंज की जो कैपेबिलिटी है, वो क्या हो गई है सर, रिड्यूस हो गई है। ना तो वो ऑक्सीजन को ले पा रहे हैं, ना ही वो CO2 को बाहर निकाल पा रहे हैं। एक चीज समझिएगा, मैंने क्या कहा, एल्वियोली इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स दैट हेल्प इन टू द गैसेस एक्सचेंज, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब यही जब डेस्ट्रॉय हो गई है एम्फाइसीमा में, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट की बॉडी में जो CO2 वो बाहर नहीं निकल पाएगी और बाहर से ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा। हमने क्या केस को, बाहर से ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर किया है मैन्युअली, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो जाके क्या कर देगी, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेशन से प्रिवेंट करती है, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी सर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट किससे होते हैं सर, वो होते हैं CO2 से। किससे होते हैं, CO2 से। CO2 को अपन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मानते हैं ना, ध्यान रखिएगा, CO2 एक ऐसी गैस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है। लेकिन अब होगा क्या, ये CO2 हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। क्यों सर, ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन, की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सफिशियंट है, ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, एक्सेसिव ही हो रही है, 4 liter पर मिनट इसलिए दे रहे हैं अपन। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ये CO2 हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो मोर CO2 बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, और CO2 बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी तो धीरे धीरे क्या कोज करेगी, ड्राउजीनेस कोज करेगी। इस सारे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द हेल्डन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए